प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। आजकल दुनिया का जो माहौल चल रहा है, जिस तरह से दुनिया चल रही है, जैसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध, और वो मामला अभी तो चल ही रहा था, और हमास और इज़राइल के बीच में युद्ध, और काफ़ी देश एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। अमेरिका ने भी इज़राइल का साथ दिया, और ये सारी बातों को देखकर अभी जो सेवक लोग हैं वो सभी पुकारने लगे। सेवक लोग बोलने लगे कि प्रभु यीशु का दूसरी बार आना वो बहुत निकट है, और ये भी कहने लगे कि अब रैप्चर हो जाएगा। रैप्चर वो शब्द इंग्लिश है, और रैप्चर कहना क्या चाहता है, रैप्चर का मतलब क्या है, और क्यों अभी लोग रैप्चर की बात कर रहे हैं, क्या है रैप्चर के पीछे, उसको जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो और कहीं मत जाइएगा, मैं अभी हाजिर हुआ। तो लोग रैप्चर की बात करते हैं, तो रैप्चर इंग्लिश शब्द है, और रैप्चर का मतलब होता है कि आकाश में लोगों का उठाया जाना। जब प्रभु यीशु आएंगे बादलों के ऊपर, तो जितने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी आज्ञाकारी करते हैं, उनके वचनों के अनुसार जितने लोग चलते हैं, वो सभी लोग आसमान में उठाए जाएंगे। ये बात सच है, ऐसा होने वाला है, लेकिन कब होने वाला है, कब प्रभु यीशु आएंगे, और ये रैप्चर, ये लोगों का उठाया जाना वो कब होगा और कैसे होगा। तो लोग ऐसा कहते हैं कि रैप्चर वो पहले हो जाएगा, मतलब लोगों का स्वर्ग में उठाया जाना पहले हो जाएगा, और उसके बाद मसीह का विरोधी खड़ा होगा और क्लेश काल इस दुनिया में शुरू होगा। मतलब प्रभु के लोग उठाए जाएंगे, उसके बाद क्लेश काल शुरू होगा। अब एक पास्टर साहब है, तो मुझे उसका नाम तो याद नहीं, लेकिन उस पास्टर साहब ने अब एक वीडियो जाहिर किया, और वीडियो जाहिर ऐसा किया कि उन्होंने ऐसा बोला कि अगर कोई मुझसे बाइबल से ये साबित कर दे दे कि प्रभु यीशु या प्रभु यीशु का दूसरी बार आना या रैप्चर वो एंटी क्राइस्ट से पहले है, अगर ऐसा कोई वचन बाइबल से निकल कर मुझे बता दे, तो बोले उनको 20,000 का इनाम मैं दूंगा, 20,000 का इनाम अपनी ओर से मैं दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने सोचा कि भाई साहब सिर्फ 20,000 का इनाम क्यों जाहिर कर रहे हैं, अगर वो सच्चे हैं, अगर उनकी बात सच्ची है, तो उनको 20,000 नहीं बोलना चाहिए। मैं तो मानता हूँ 20 करोड़, 200 करोड़ या 200 बिलियन कितनी भी बड़ी रकम बोलनी चाहिए, अगर वो सही है तो फिर 20,000 क्यों ज़्यादा बोलना चाहिए। चलो वो भाई साहब सही बोल रहे या गलत बोल रहे, वो तो हम आगे चलकर देखने ही वाले, लेकिन ये वीडियो किसी की बुराई करने के लिए नहीं है और किसी की अच्छाई प्रकट करने के लिए भी नहीं है, लेकिन सिर्फ ये वीडियो इसलिए है कि सही में रैप्चर होगा कब, और अगर मसीह के विरोधी के आने से पहले हो जाता है, मतलब विश्वासी लोग, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग उठाए जाते हैं, तो दुनिया पर कैसे लोग रह जाएंगे, ऐसे लोग रह जाएंगे कि जो प्रभु को मानते ही नहीं। और प्रकाशित वाक्य और उसका 13 अध्याय और उसके 7वें वचन में ऐसा लिखा है, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोक और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया, कि उस मसीह के विरोधी को ऐसा अधिकार मिला है कि वो पवित्र लोगों से लड़े और उनके ऊपर जीत भी हासिल करे। मसीह का विरोधी वो पवित्र लोगों से लड़े और जीत भी हासिल करे। अब ये कौन से पवित्र लोगों के साथ लड़ाई करेगा, वो तो उठाए गए, तो फिर ये लड़ाई किसके साथ करेगा, क्या यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में गलत लिख दिया,
या झूठ लिख दिया? क्या उन्होंने ऐसे ही हवा में लिख दिया? कौन सच्चा? अगर प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने उसके 13 अध्याय और 7वें वचन में जो लिखा है कि वो पवित्र लोगों के साथ लड़ेगा और जीतेगा भी, अगर ये बात सच है तो इसका मतलब मसीह के विरोधी के आने से पहले रैप्चर होना वो फिर गलत है। अभी देखो, जब रैप्चर हो ही गया, पवित्र लोग उठाए गए, तो फिर मसीह के विरोधी के वक्त तो पवित्र लोग होने ही नहीं चाहिए। जब है ही नहीं तो फिर ये मसीह का विरोधी लड़ाई किसके साथ करेगा? तो इसका मतलब बाइबल तो सच्चा है, मैं तो उसमें डाउट नहीं करता, जो लिखा वो सच है। अगर वो सच है तो इसका दूसरा मतलब ये है कि उस वक्त पवित्र लोग इस धरती पर है। अभी ऐसा भी नहीं ली, ऐसा भी लोग नहीं कह रहे कि परमेश्वर आएंगे और कुछ कुछ पवित्र लोगों को लेकर जाएंगे, कुछ कुछ पवित्र लोग लेकर जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा हो, या तो लोग ऐसा मानते हो तो भी कुछ बात बनती है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। रैप्चर तो होने ही वाला है, और जब रैप्चर होगा तब प्रभु यीशु सभी लोगों को लेकर जाएंगे, जितने उनकी आज्ञा के अनुसार चलते थे वो सारे उठाए जाएंगे, तो फिर एक भी पवित्र रहने वाला है ही नहीं। तो मसीह के विरोधी के वक्त ये पवित्र लोग है कौन? फिर आगे चलकर हम बाइबल के वचन में पढ़ते हैं तो जो मसीह का विरोधी है उसका एक साथी है, और वो जो साथी है उसको बाइबल में झूठा भविष्यवक्ता बोला गया। अभी देखो ये क्या करता है, तो हम बाइबल में से एक वचन पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 13:11-15। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सिंह थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगी और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो मसीह का विरोधी है उसका जो खास साथी है, जिसको झूठा भविष्यवक्ता कहा गया, वो लोगों को बोलता है कि इस मसीह के विरोधी की मूर्ति बनाओ। वो लोगों को बोलता है, और देखो लोगों को उसकी मूर्ति बनानी पड़ेगी। फिर वो ऐसा बोलता है कि उसकी आराधना करो, और जो लोग उसकी आराधना ना करे उसको मरवा डाले, ऐसा अधिकार उसके पास है। तो इसका मतलब मसीह के विरोधी के वक्त ऐसे लोग हैं कि जो मसीह के विरोधी की मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ऐसे लोग उस वक्त में भी है, तो मतलब रैप्चर वो मसीह के विरोधी के पहले नहीं ही है, ये होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे लोग जो मसीह को मानने वाले वो तो अभी तक है। फिर आगे एक वचन और पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 13:16-17। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो अन्य कोई लेन देन न कर सके। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि मसीह का विरोधी जो है वो एक निशान, एक मुहर बनाएगा, और उस मुहर इंसान को इस जगह पर लेनी है या तो अपने दाहिने हाथ में लेनी है। अभी देखो, जो कोई ये मुहर ना ले तो बोले वो लेन देन नहीं कर सकता, वो जॉब नहीं कर सकता, वो कारोबार नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, बैंक में भी लेन देन नहीं कर सकता। सभी के लिए चाहिए ये मसीह के विरोधी की मुहर, वो चाहिए मुहर। तो ऐसे लोग भी है कि जो मुहर नहीं लेंगे, और मुहर नहीं लेने के कारण उनको मार दिया जाएगा।
तो मर जाएंगे वो लोग। तो ये लोग कहाँ से आए? अगर मसीह के विरोधी के आने से पहले इनको उठाया गया तो फिर ये लोग कहाँ से आए? इसका मतलब रैप्चर मसीह के विरोधी के समय में जो क्लेश काल है उसके पहले नहीं है। अभी मालूम है आज के प्रचारक वो क्यों ऐसी बातें करते हैं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जाना ही नहीं, वो परमेश्वर को पहचान ही नहीं रहे। अगर उन्होंने परमेश्वर को जाना होता तो ऐसी बातें नहीं करते। हमारे परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्रता चाहते हैं। और आप पवित्र हो कैसे पता चलेगा? आप परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हो कैसे पता चलेगा? अगर परमेश्वर ने एदन बाग में भले बुरे का पेड़ ना लगाया होता तो कभी नहीं जान पाते कि आदम और हवा वो आज्ञाकारी में रहते हैं या नहीं रहते, कभी नहीं जान पाते। क्योंकि आज्ञाकारी तोड़ सके ऐसी कोई चीज़ ही वहाँ पर नहीं है। इसलिए तो प्रभु उसने भले बुरे का पेड़ रखा था ताकि पता चले कि इंसान उनकी आज्ञाकारी करता है कि नहीं। तो मसीह के विरोधी में जो क्लेश काल है उसमें मसीह का विरोधी जो परमेश्वर के लोगों के साथ जबरदस्ती करेगा, मूर्ति पूजा करवाएगा, अपना निशान मुहर लेने के लिए देने के लिए वो जबरदस्ती करेगा, उसकी मूर्ति की आराधना करने के लिए जबरदस्ती करेगा, उसकी मूर्ति बनाने के लिए जबरदस्ती करेगा। तब शद्रख मेशक और अबेदनगो जैसे अगर होंगे तो पता चलेगा ना, लेकिन ऐसा कुछ वो करेगा ही नहीं। तो फिर कैसे मसीह के लोग पहचाने जाएंगे? और मसीह के लोग पहले से ही उठाए गए तो कैसे पता चले कि ये मसीह के लोग हैं? क्योंकि ऐसे क्लेश काल में तो वो थे ही नहीं। जब आज्ञाकारी ना हो सके ऐसी कोई संभावना ही नहीं तो फिर वो तो चलने ही वाले, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मसीह लोगों को जांचने के लिए ये क्लेश काल है, उनमें उनको बने रहना पड़ेगा। लेकिन ये प्रचारक जो है वो क्या समझते हैं? नहीं नहीं, परमेश्वर हमारे बहुत दयालु, परमेश्वर हमारे बहुत कृपालु, हम तो उनकी दुल्हन है। क्या दूल्हा दुल्हन को मारता है? अरे दूल्हा दुल्हन को मारता नहीं है, लेकिन जांचता तो है ना। आपने भी शादी की, अगर आप पत्नी हो तो क्या पति को जाने बिना आपने शादी कर ली? अगर आप पति हो तो क्या पत्नी को जांचे बिना शादी कर ली? क्या लोगों से पूछा नहीं था ये कैसी है, चाल चलन कैसा है? तपास नहीं करवाई थी क्या? तो हमारे परमेश्वर नहीं करेंगे क्या अपने दुल्हन की? हाँ, वो भी जांचेंगे, वो भी देखेंगे। और इसीलिए तो यूहन्ना 15 में लिखा है, यूहन्ना 15:1-2, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। और वो परमेश्वर उस डाली को जो फल लाती उसको छांटते हैं। तो छांटने का मतलब यही होता है, जांचना कि दुख मुसीबतें आती है तो अभी मेरे में बने रहते हैं कि नहीं। और अभी एक बात और बता देता हूँ, पत्रस कैसे मर गए मालूम है? उनको भी क्रूस पर मार दिया गया था उल्टा, और उसको कैसे मार दिया गया? उनके गर्दन काट दी गई थी। बाइबल में पढ़ो याकूब, उनकी तलवार से गर्दन काट दी गई थी। स्टेफनस के बारे में पढ़ो ना, लोगों ने पत्थर मार मार कर मार दिया, और उसकी कितनी सतावट हुई। एक बार इतने पत्थर मारे कि लोगों ने समझा कि मर गया तो घसीट कर शहर के बाहर डाल दिया था। अरे कितनी बार जेल में गए, तो क्या वो परमेश्वर की दुल्हन नहीं है? क्या उनको सहन नहीं करना पड़ा? तो परमेश्वर के लोगों को सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 तीमोथी 3:12। और जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वह सब सताए जाएंगे। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जितने सच्चे हृदय से परमेश्वर के पीछे चल रहे उनकी सतावट होगी ही, सतावट होने वाली। बिना सताए जाए आप कभी भी स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। और फिर एक वचन और पढ़ते हैं, जो इब्रानी 12:5-6। और तुम उस उपदेशक को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़ के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर उसे ताड़ते हैं
उससे डांटते जिनसे वो प्रेम करते हैं, तो डांट तो होगी मिलेगी। फिर परमेश्वर बोलते हैं जिनको वो अपना पुत्र बनाते हैं, पुत्र अंगीकार करते हैं, उनके ऊपर कोड़े भी बरसाते। तो देखो अगर आप पुत्र बनोगे परमेश्वर के तो कोड़े तो खाने पड़ेंगे, बिना कोड़े खाए कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर का पुत्र है। तो सब कुछ तो सहन करके ही उस पर जाना है। लेकिन आज के पास्टर और प्रचारक, वो चाहे अपने आप को एपोस्टल कहे, प्रॉफेट कहे, प्रचारक कहे, पास्टर कहे, टीचर कहे, उस्ताद कहे, जो भी कहे, ये सारे डरपोक है। ये डर रहे, सतावट से डर रहे, इसलिए ऐसी शिक्षा देते, लेकिन ये शिक्षा गलत है। हम क्लेश काल में है और है। और मालूम है ये लोग कैसे भरमाते लोगों को? ये लोग ऐसे भरमाते हैं कि जब जल प्रलय आने वाला था तो परमेश्वर ने नूह को जहाज में बिठा दिया, जब सदोम और गमोरा का नाश होने वाला था तो परमेश्वर ने लूत को वहां से निकाल दिया था, तो क्लेश काल आने से पहले परमेश्वर हमको भी उठा लेंगे। बिल्कुल झूठी बात, बिल्कुल झूठी बात। जब जल प्रलय आने वाला था तब परमेश्वर ने नूह को जल प्रलय के बीच में ही रखा था। वो जहाज में थे, जहाज के बाहर बरसात थी, वहाँ पर जल प्रलय आया था और ये जहाज उसी जल प्रलय में रहा था और नूह 377 दिन तक उसी दुनिया में थे, उसी जहाज में थे, जल प्रलय के बीच में ही थे, लेकिन परमेश्वर ने उनकी रक्षा की थी। बस जब लूत सदोम और गमोरा से निकल गए तो आकाश में नहीं उठाए गए थे, वो इसी धरती के ऊपर थे। और बाइबल में से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, उत्पत्ति 19:18-22 तक। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु ऐसा न कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, वहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊँ। देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहाँ भाग सकता हूँ और वह छोटा भी है, मुझे वही भाग जाने दे, क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा। उसने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की तू चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट न करूँगा, फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ न पहुँचे तब तक मैं कुछ न कर सकूँगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि लूत ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मैं पहाड़ पर नहीं भागूंगा, बहुत दूर है, पहाड़ चढ़ते चढ़ते कहीं मेरे ऊपर आग आ गई तो परमेश्वर ये वाली जगह जो है ना सुवार वो पास में, मैं वहाँ पर भाग जाऊँ, एक से एक जगह पर चला जाऊँ। परमेश्वर बोला ठीक है, इस बारे में भी मैं तेरी सुनता हूँ। और लूत वहाँ पर चले गए, वहाँ से आग दिखाई देती थी। तो परमेश्वर के लोग सतावट में है, वो सतावट देखेंगे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाकारी करते होंगे तो परमेश्वर उस सतावट में उनको बचाएंगे। आप कब बोल सकते हो कि परमेश्वर ने मुझे एक्सीडेंट से बचाया? जब आपका एक्सीडेंट होगा तभी, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया लेकिन आपको कुछ भी नहीं लगा, आपके साथ जो थे हो सकता है वो मर गए, किसी की हड्डी टूट गई, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी की आंखें फूट गई, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ, तो आप क्या बोल सकते हो? एक्सीडेंट हुआ लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया। प्रभु यीशु थे और चेले भी थे, किश्ती भी थी, समुंदर भी था, क्या तूफान नहीं आया था? प्रभु यीशु थे तो क्या उस तूफान के अंदर चेले फंसे नहीं थे क्या? लेकिन परमेश्वर तो बचाए जाओगे, लेकिन आप ऐसा समझो कि परमेश्वर है और तूफान ही ना आए, क्लेश काल आए ही ना, ये नहीं हो सकता, ये होने वाला है। झूठी शिक्षा से दूर हो जाओ और क्लेश काल के लिए अपने आप को तैयार करो, वरना क्लेश काल अचानक आपके ऊपर आ जाएगा ना, तो आप सहन करने के लिए योग्य नहीं होंगे। मालूम है जब पुलिस का इंटरव्यू होता है ना और उसमें जो पास होता है ना उसकी पहले ट्रेनिंग चलती है, उसको तुरंत पुलिस वाला नहीं बना देते, ट्रेनिंग चलती है। अगर फौज में जाओ ना तो आपकी पहले ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग पास करोगे ना तो आप फौज ज्वाइंट कर पाओगे, वरना आप फौज ज्वाइंट नहीं कर पाओगे, ट्रेनिंग होगी। अगर इस दुनिया की पुलिस और फौज में जाने के लिए ट्रेनिंग है तो स्वर्ग में क्या ऐसे ही आपको मिल जाएगा।
वहाँ पर भी ट्रेनिंग है हमारी। और इसलिए क्लेश काल के लिए मैं बोलता हूँ तैयार रहो, झूठी शिक्षा से दूर रहो। नूह स्वर्ग में नहीं उठाए गए थे, लूत स्वर्ग में नहीं उठाए गए थे, इसी धरती पर थे, लेकिन उस विपत्ति से परमेश्वर ने उनको बचाए रखा था। इसी तरह से एंटीक्राइस्ट के वक्त में हम है, हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन अगर आप आज्ञाकारी में बने रहोगे परमेश्वर आपको बचाते रहेंगे। एक बार मैं मेरे खुद की बात करता हूँ, मैं और मेरा एक साथी हम लोग कहीं पर प्रार्थना के लिए जा रहे थे, और मेरे आगे एक वैन जा रही थी, उसके आगे एक जीप जा रही थी, और रास्ता सिंगल था, और सामने से एक टैंकर आ रही थी, बड़ी टैंकर, और टैंकर के पीछे एक मोटरसाइकिल वाला फुल स्पीड में आ रहा था। उसका इरादा था टैंकर को ओवरटेक करने का, लेकिन रास्ता इतना चौड़ा नहीं था कि वो ओवरटेक कर सके। अगर वो ओवरटेक करेगा तो हम में से किसी के साथ जो सबसे आगे होगा उसके साथ टकरा जाएगा, और सबसे आगे थी एक जीप कार तो उसके साथ वो टकरा जाता। तो जीप वाले ने देखा ये तो अपनी स्पीड कम नहीं कर रहा, तो जीप वाले ने रोक लिया। उसके पीछे जो मारुति वैन थी उसने भी ब्रेक लगा दी, उसके पीछे मैं था, तो मैं मोटरसाइकिल पर था, तो मैं और मेरे साथी ने भी ब्रेक लगा दी, और हम ऐसे ही खड़े हो गए। और जहाँ पर मैं खड़ा रहा था मेरे बाजू में इतना मोटा वो पेड़ था। अभी टैंकर वाला आ रहा है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, और सही में उस मोटरसाइकिल वाले ने उस टैंकर को ओवरटेक कर दिया। जैसे ओवरटेक कर दिया उसका शीशा उस जीप कार के शीशे के साथ टकरा गया, उसका बैलेंस चला गया और वो उछल कर गिर पड़ा, लेकिन वो बाहर की साइड गिरा और उसकी जो मोटरसाइकिल थी वो ट्रक के पिछले व्हील में आ गई। बस यहाँ तक मैंने सब कुछ देखा और उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि उसके बाद जो कुछ हुआ वो 2 या 3 सेकंड में हो गया। ऐसा कि जो टैंकर चलाने वाला था वो हड़बड़ा गया होगा, तो उसने अपना स्टेयरिंग ऐसे ऐसे घुमा दिया होगा, टैंकर आ गए मेरे ऊपर, और मेरी मोटरसाइकिल जो मैं खड़ा था मेरी मोटरसाइकिल टैंकर के नीचे चली गई। लेकिन अचंभे की बात क्या थी, मैं और मेरा साथी हम दोनों उस पार खड़े हुए थे। अब किसने हमको उठाया, किसने उठाकर उस पार रखा, कुछ नहीं मालूम, हमें खरोंच तक नहीं। भीड़ जमा हो गई, टैंकर का ड्राइवर भाग गया, ये तो किसी की निगाह में नहीं आया। लोग आए, लोग मेरी बाइक देखकर बोलने लगे, बाइक वाले गए, कुछ नहीं हुआ था हम लोगों को, कुछ नहीं। अब मैं कह सकता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक्सीडेंट से बचाया, मतलब एक्सीडेंट तो हुआ। पॉलुस बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे समुंदर के जोखिम से बचाया, उनका जहाज टूट गया था। तो परमेश्वर है और पौलुस जैसे दास है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जहाज नहीं टूट सकता, टूटेगा, लेकिन परमेश्वर पौलुस को कुछ नहीं होने देंगे। तो विपत्ति काल में, क्लेश काल में हम है ही है, लेकिन परमेश्वर हमें कुछ होने नहीं देंगे। तो ये जो झूठी शिक्षा है कि प्रभु यीशु एंटी क्राइस्ट से पहले आ जाएंगे, उससे दूर रहो। सतावट है हमारी, होगी, होने दो, लेकिन उसके लिए तैयार रहो। तैयार रहोगे तो आप जीत पाओगे, लेकिन तैयार नहीं होगे तो नाश हो जाओगे। तो झूठी शिक्षा से दूर रहो, लेकिन अपने आप को क्लेश काल के लिए तैयार करो। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।